सकते हैं विपक्षी दल की यानी कि इंडी गठबंधन की, जो कि सरकार बनाने का दावा और तेज कर चुके हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता सरकार बनाने का दावा इस वक्त हर चुनावी सभा से कर रहे हैं। चुनावी रैली को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है, कहा कि इंडी गठबंधन की जीत निश्चित है, लाइन लगने वाली है सीटों की खटाखट खटाखट। तो राहुल गांधी ये कहते हैं गुड बाय बीजेपी, गुड बाय मोदी जी, टाटा बाय बाय। आपको याद होगा राहुल गांधी का इसी तरह का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और उसी का जिक्र एक बार फिर से उन्होंने किया। इसी के साथ ही राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी इंडी सरकार बनाने का दावा किया है, केजरीवाल भी यही कह रहे हैं और लालू यादव ने भी मोदी सरकार जाने का दावा कर दिया। जरा सुनिए तमाम विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा। जो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है, ये जाति झंडा के खिलाफ है, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन, और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए, हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं? सारा प्लान मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, लाइन। चलिए, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आप देखिए जहां चुनाव होने वाले हैं जया जी, जैसे यदि हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, दिन 13 सीटों पर वो पूरी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी खाते में गई थी। एक सीट कोई ऐसी है जिसका अखिलेश जिक्र कर रहे थे कि पहले बीजेपी उसकी उम्मीद कर रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी, क्लीन स्वीप हो जाएगा जैसा कह रहे हैं राहुल गांधी। तो मुझे तो नहीं लगता कि क्लीन स्वीप होगा, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बड़े मतों से जीती थी। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बदली है, कुछ टिकट बदले हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अखिलेश के पास से हमने देखा कि नागेंद्र राय छोड़कर चले गए, बड़ा नुकसान है बलिया से। तो इस तरह कई सीटें प्रभावित भी होंगी, बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां की है, कांग्रेस ने भी, लेकिन राहुल गांधी को लगता है। पर बड़ी बात यह है कि जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वह शायद कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, सपा के उम्मीदवार है, फिर भी वो कह रहे हैं क्लीन स्वीप हो जाएगा। तो